हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविज। और आज हम लोग जनरल साइंस का थर्ड सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है। तो अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम और फ्लोएम ये दो तरह के आप कह सकते हैं टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो जाइलम होता है वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसी भी पौधे में। जो पानी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम जो है वो एक प्रकार का वन ऑफ द टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वास्कुलर प्लांट्स। फ्लोएम जो है वो दूसरा होता है और एक जो है वो जाइलम होता है। जो बेसिक फंक्शन है हमारे पास जाइलम का वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट एंड लीव्स। उसी तरह जो फ्लोएम होता है ये फूड मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जाइलम अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जाइलम का प्लांट्स के अंदर क्या काम होता है, तो जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो जाइलम, तो जाइलम से याद रखिए जल, जाइलम से ज और ल, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है जी, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा यंत्र है जो आर्द्रता नापने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एट वट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है। तो राइट आंसर क्या है जी इसका, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होता है वो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर आप फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 32 पे। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क करता है कि किस टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ये फ्रीज करता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिनेप्सिस गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्सिस अंतराल शामिल होते हैं। तो देखिए टू न्यूरॉन, दो यंत्र कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिनेप्सिस है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो परमिट करता है न्यूरॉन को टू पास इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन, एक से दूसरे पे वो उसे क्या करता है, पास करता है। जो माइन्यूट स्पेस होती है इन सेल मेम्ब्रेन की और एक्सोन टर्मिनल की और टारगेट सेल की, उसे हम क्या कहते हैं, जो बीच की खाली स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड सर्कुलेशन के फादर किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे जी को जो है ब्लड सर्कुलेशन के फादर माना जाता है। विलियम हार्वे जो है वो इंग्लिश फिजिशियन है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, और ही वाज द फर्स्ट नॉन फिजिशियन टू डिस्क्राइब कंप्लीट इन डिटेल द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड बीइंग पंप्ड टू द ब्रेन एंड बॉडी बाय द हार्ट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सर्कुलेशन किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर आइसोबार्स, समभारिक क्या होते हैं। अगर हम आइसोबार की बात करें तो एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर जिनका सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, वो केमिकली सेम है लेकिन फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन इसका जो उल्टा है वो किसके साथ होता है, आइसोबार के साथ होता है। तो दैट इज आइसोबार्स आर एलिमेंट विच आर केमिकली डिफरेंट बट फिजिकली सेम। सो आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है जी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड अ कॉर्नर और अ स्लिट इज ड्यू टू। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो डैश की वजह से वंकित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, डिफ्रेक्शन विवर्तन। अब डिफ्रेक्शन के और हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स है, कहाँ आपको देखने को मिल जाता है। देखिए सीडी रिफ्लेक्टिंग रेनबो कलर, अगर आप एक सीडी को पकड़िए और उसके देखें तो उसमें एक रेनबो के कलर दिखाई देते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्रेक्शन। होलोग्राम बुक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, अगर आप उसको देखिए मूव करके देखें तो आपको वहाँ पे एक 3D इमेज दिखाई देती है, उसे कहते हैं होलोग्राम।
सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट के दौरान जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है, इसका एग्जाम्पल है डिफ्रेक्शन का। फ्रॉम द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये शेडो भी बनाता है जी डिफ्रेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द डोर, और देखिए स्पेक्ट्रोमीटरी में डिफ्रेक्शन को यूज किया जाता है, एक्सरे में यूज किया जाता है, और वाइट लाइट को सेपरेट करने में भी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्म इज द यूनिट ऑफ, आप याद रखिए कहीं पे भी अगर आपको वर्ड थर्म मिलता है, थर्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू हीट, ऑलवेज रिलेटेड टू हीट, दैट इज ऊष्मा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड, वायुमंडल के भीतर क्षितिज रूप से हीट ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एडवेक्शन। एडवेक्शन इज अ टर्म यूज फॉर हीट ट्रांसफर। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड व्हेन हीटेड, गर्म होने पर तरल के घनत्व पर क्या प्रभाव होता है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप तरल को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन, होप आप लोगों को इस